दोस्तों पोकेमोन जर्नी के एपिसोड 20 में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग जाने वाली हैं सिनेमार आइलैंड, जहाँ पे मिलते हैं बहुत सारे फायर टाइप पोकेमोन और वहाँ के जिम लीडर से हम लड़ने भी वाले हैं। तो चलो जल्दी से सफर पे चलते हैं। दोस्तों हमें उस गुफा से यार ये मैग्मार मिल गया, क्या पता वहाँ पे और भी पोकेमोन हो, तो चल के देखते हैं ना एक बार। ओए हाँ चलो जल्दी से चलते, क्या पता वहाँ पे और तगड़े तगड़े पोकेमोन हो। यहाँ बात तो सही यार तुम लोगों की, यार यहाँ पे कोई दिख तो रहा नहीं ऐसा जैसे ये वो कह रहा था। होगा होगा दोस्तों, होगा, पक्की बात होगा। मुझे भी नहीं दिख रहा। अरे दोस्तों ये क्या है? ये कौन है? ये तो है, ये बहुत ज्यादा ही रेयर पोकेमोन है और ये कुछ खुशकिस्मत लोगों को ही मिलता है। ये किसी भी पोकेमोन में ट्रांसफॉर्म होके उसी की तरह उसी के अटैक्स कर सकता है। भाई साहब या फिर तो हमें ले लेना चाहिए। दोस्तों यार मैंने मास्टर बॉल फेंकी है, देखते यार ये उसमें पकड़ में आएगा कि नहीं। अरे यार ये तो बाहर आ गया। ए कोई और पोके बॉल फेंकते है यार, ये शिनचान को दो, शिनचान ने तो आर्टिकूनो तक पकड़ ली थी। अरे यार इस बार तो मेरे भी निशाने ढंग से नहीं लग रहे क्योंकि ये इतना कूदे जा रहा है और बार बार स्विगली स्विगली जिगली की तरह हिले जा रहे हैं। उरी और कैसे भी करके शिनचान पकड़ यार, रेटो तो हमारे पास होना ही चाहिए। भैया तेरी बात बिल्कुल सही है, काम कर तो ये पिनाप बेरी खिला देता हूँ उसे। ए डिटो ये पिनाप बेरी खा। खा लियो यार उसने पिनाप बेरी। अब मैं पोकी बॉल फेंकता हूँ, शायद अब पकड़ में आ जाए। क्या लगता है दोस्तों पकड़ में आएगा कि नहीं? उरी और कमेंट से बताओ कि आएगा कि नहीं। अरे यार ये तो आने वाला है, आ गया। दोस्तों यार ये जगह कितनी मिस्टीरियस है। उरी और ये कैसे टमटके जैसी पोकेमोन है? ये चैंसी है। ऐ है ये हमें नहीं चाहिए भाई, ये तो नर्सेस के पास होती है। दोस्तों ये क्या है? ये तो कोई सीक्रेट स्विच लगता है। ए कुछ आवाज आई साइड से। लुकते दोस्तों पक्का कुछ ना कुछ खुला है यहाँ पे। यहाँ पे तुम्हें मिलेगी एक सीक्रेट की, जिसकी के थ्रू तुम अगले जिम में जा सकते हो जो कि सिनेमार आइलैंड में ही है। उसकी के बिना तुम नहीं जा सकते। अच्छा दोस्तों मतलब हमें यहाँ पे अभी कोई की भी ढूंढनी पड़ेगी। भाई ये क्या बात हुई? ए दोस्तों ये मैग्मार आके हम पे चिपक गया। अरे तो ये पकड़ लेते हैं, ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ा मैग्मार है। हाँ यार ये हमारे वाले से भी ज्यादा ताकतवर मैग्मार है। मैंने इस पे एक्सीलेंटली फेंक दिया पोकेबॉल। अरे बहुत बढ़िया शिनचान, अब तो पकड़ में आ जाना चाहिए। आ गया यार। ठीक है यार अब हम इसे अपनी स्क्वाड में रख लेते हैं। यार हमारी आर्टिकूनो तो बाहर आ गई, लगता है उसे खेलने का मन हो रहा है बहुत ज्यादा ही। दोस्तों यहाँ पे तो यार एक सीढ़ी है, इसके थ्रू मुझे लगता है हमें नीचे जाना है। लेकिन यार यहाँ पे नीचे जाने का तो कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा हमें। हाँ यार वो सीढ़ी तक पहुँचने का भी कोई रास्ता तो होगा ही होगा, जरा ऊपर जाके चेक करते एक बार। ए यहाँ पे देखो कोई स्विच विच मिल जाए जिससे जा सके। ओए हाँ यार देखो, ओए यहाँ पे तो एक चोर है। ओए क्या चुराने आया तू? है मैं तो यहाँ पे बहुत सारे पोकेमोन चुराने आया हूँ। हा 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 हा, और पैसे भी चुराऊंगा, मैं पता नहीं चलेगा, मैं तो पैसे भी चुरा लूंगा। और मेरे होते हुए तू इस घर के एक मक्खी भी नहीं मार सकता और तू चोरी करने की बात करता है। चार जाड़ अभी तेरी बैंड बजा देगा, चार जाड़ विंग अटैक। देखो मुझे कुछ नहीं हुआ, अब तुम देखो, तुम्हें एक देखो देखो कंफ्यूजन अटैक से तुम्हारे चार जाड़ की तो पुंगी बज गई। एक एचपी कम भी नहीं हुई, इतना क्या कर रहा है? ड्रैगन रेज अटैक देख देख सीख। ऐसा कैसे हो गया? अरे अब तुम कहो हमारा फ्लेम थ्रोइंग स्विंग। अरे यार ये तुमने ड्रैगन रेज मार के गलत किया, मेरा मैग्मार मर गया, ये गलत बात है। चार्जार्ड वापिस आओ, जाओ ग्यारडोस। मेरे मक्की सामने तुम्हारा ग्यारे पॉट कुछ नहीं कर पाएगा। अरे वो ग्यारे पॉट नहीं है, ठीक है? ये तो बच्चे हैं, ये मेरा क्या ही बिगाड़ेंगे। ए गंदी दाढ़ी वाला ये ग्यारडोस तो मरेगा मेरे सच बॉम्ब से। ए नहीं मेरे, अब बोल ये ले ड्रैगन टेल, फटीना फटीना तेरे मक्की फटीना। ये लो पोटी खाओ तुम अब। तुम पे भी अब्बास फट गई, तुम पे भी अब्बास फट गई। तुमने मारा क्यों? अब तुम एक और स्लज बॉम्ब खाओ जिसे तुम्हारी मुंह पे पोटी लग जाएगी। छी यार क्या बोल रहा है, ये ले तू एक और ड्रैगन टेल का। अभी भी नहीं मरे, मेरा मग तेरे मुंह पे गैस छोड़ेगा। छी यार पूरा का पूरा गैरेडोस गंदा हो जाएगा, उसे घर जाके नहलाना पड़ेगा। यार वो तो वैसे भी वाटर टाइप पोकेमोन ही है। तुम लोगों ने मजाक मजाक में मुझे हरा दिया है, ठीक है ले लो यार जितने भी पैसे मैंने चुराया ले लो। हाँ ठीक है, और अब हम तुझे पुलिस में भी पकड़वा देंगे। ऐसा तो बिल्कुल मत करो। दोस्तों अभी तो इलीगल अंडरग्राउंड बेसमेंट भी है। अच्छा चलती है ना, देखते हैं यहाँ पे क्या है। और यहाँ पे भी एक स्विच दिख रहा है मेरे को, इसको भी दबा के देखे यार इसमें से क्या हो रहा है। यहाँ लग रहा है यार कोई ना कोई गेट तो खुला है फिर से। वो तो फिर उसी गेट के थ्रू चलते है ना यार, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हाँ यार ये वाला गेट भी बंद है। रुको दोस्तों मैं एक काम करता हूँ, इस स्विच दबाता हूँ, इससे वो वाला गेट बंद हो गया तो फिर यहाँ पे क्या हुआ? अरे यहाँ का गेट खुल गया। अरे दोस्तों यहाँ पे तो कोई खड़ा है। ए चुपके से यहाँ से नीचे चलते हैं, वो सीढ़ी के थ्रू हम नीचे जा सकते हैं ये। अरे दोस्तों यहाँ पे भी एक साइंटिस्ट खड़े है। उरे और इससे तो हमारी लड़ाई होगी पक्की बात। क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? तुम्हें मैं अच्छा डंग आनी, तुम्हें मैं मार दूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा। इलेक्ट्रोड जाओ। चार्जर्ड ए तुम्हारे पास चार्जर्ड तो क्या दूंगा, इलेक्ट्रिक शॉक।
मर गए तुम यार पिकाचू, अब तुम्हें जाना पड़ेगा। अरे मैं भी उसकी भाषा क्यों बोल रहा हूँ? ए तुम उसे मार देगा पिकाचू सी पीछा पटक। ये क्या कर रहेगा? ए कुछ ज्यादा कुछ नहीं हुआ, डरता नहीं। ए स्विफ्ट अटैक। उरी उरी स्विफ्ट अटैक से पिकाचू को कुछ भी नहीं हुआ। ए तुम भी डरेगा पिकाचू एक और सीपी जाप अटैक। ए सीपी जाप करके तो तुम सोच रहेंगी मैं डरेगा ना डरेगा। अरे क्या डरेगा डरेगा लगा रहे गए, तुम साइंटिस्ट हो कि इडली बेचने वाले आदमी हो? ए देखा तुम्हें फिर लग गई। पिकाचू एक और सीपी जाप अटैक और इस बार मार देना। अरे यार फाइनली ये पागल से इलेक्ट्रोड मर गया भाई, तेरे पास खत्म हो गए ना पोकी बॉल? मेरे पास तो और पड़ेगा मक है मेरे पास। तेरे ऐसे घटिया अंधे के पास ऐसा घटिया पोकेमोन ही हो सकता है? सच बॉम्ब मारा। ओए तेरा पिकाचू भी डर गया। अब बोलेंगा अब बोलेंगा जाओ गैरडोस। अरे इस मछली को तो मैं पका के खा जाऊंगा। म्यूजिक मर गया तुम्हारा गैरडोस स्लज बॉम्ब से। ये आगड़ मागड़ हो रहा है क्या ये थोड़ा? अब तू मैगमार से बच। मैगमार का ये पहला मैच है और वो तेरी बैंड बजा देगा फ्लेम थ्रोअर अटैक। ये क्या करेगा? अरे आधी हेल्थ खाली। अरे इतनी हेल्थ खाली की उसकी हाइटी छोटी हो गई। अरे एक और फ्लेम थ्रोअर क्यों मार दिया? बच गया स्लज बॉम्ब। हैं कुछ नहीं हुआ उससे। एक और स्लज बॉम्ब। अरे कितने मारेगा? अब तू खा बेटे आग का घुसंड। ये क्या सहारा दिया? तुम आगे चलेगा तो मेरा मुंह टूटेगा। दोस्तों यार हम इस इलीगल बेसमेंट तक तो फिर पहुंच ही गए हैं भाई, यहाँ पे भी पक्का कुछ ना कुछ तो हो रखा होगा। ए तो यार आगे कैसे जाएं? दोस्तों यहाँ पे भी एक स्विच है यार, मैंने वो दबा दिया, देखते कोई गेट खुला होगा। हाँ यार ये वाला गेट खुला है, तो दोस्तों चलते फिर आगे देखते हैं यार यहाँ पे क्या है। यहाँ पे भी एक साइंटिस्ट है उसे बच बचा के आगे चल लेते हैं यार। हाँ यार यहाँ पे भी एक स्विच है। ए कितने स्विच है, हमें जाना कहाँ पे है? दोस्तों मुझे लगता है हमें ना वहाँ पे जाना है। अरे दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या तोड़फोड़ मच रखी है दोस्तों। ये क्या? अरे दोस्तों ये तो सीक्रेट की है, मतलब हम अब उस जिम में लड़ सके कि हमें सीक्रेट की मिल गई। यार ये तो बढ़िया बात है, लेकिन दोस्तों ये क्या है? दोस्तों यहाँ पे यार कोई पोकेमोन ऐसा रखा गया था जो तोड़फोड़ करके निकला यहाँ से। कहीं म्यूटू तो नहीं? हा, हा, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। ओए ऐसे मजाक मत करा कर, म्यूटू ना सिर्फ एक मिथ है, वो सच में नहीं है। मैं अगर रेफरी हूँ और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हें एक सीक्रेट की लानी है। अरे तुम सीक्रेट की पहले ले आया भाई, तुम तो बड़े समझदार हो। ओह कौन लड़ने आया मुझसे? अरे तुम मुझसे लड़ने आयो? यार मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, मेरे को लड़ना है। अरे ये नहीं कौन है? यही है यहाँ का जिम लीडर। अच्छा ये जिम लीडर भाई, ऑडियंस भी आ रखी है भाई, ये सब क्या है? अरे तुम आ गए बच्चे। भाई तुम्हें तो मैं क्वेश्चंस दूंगा, अगर तुमने क्वेश्चंस में सारे सही जवाब दिए तो तुम्हें मैं डायरेक्टली मिलूंगा लड़ने के लिए, लेकिन एक भी गलत आंसर तुम्हें मेरे एक गुलाम से लड़ना पड़ेगा। ये तो हमें तो डायरेक्टली स्टकले से लड़ना है। तुम ये बताओ कि स्पिट फायर पोकेमोन कौन सा है, मैगमार या फिर क्राउलेज? अरे यार ये तो मुझे पता है मैगमार ही है। ओहो हो बढ़िया, ये सही जवाब था। अगला सवाल, तुम्हें कितने जिम बैजेस चाहिए रहते हैं पोकेमोन लीग में कॉम्पीट करने के लिए? पूरी है तो मुझे पता है यार, हमें 8 जिम बैजेस चाहिए होते कॉम्पीट करने के लिए। ठीक है यार 8 पे ताला लगा दिया जाए। बढ़िया तुम्हारा ये भी सही जवाब। अगला सवाल, स्टील टाइप के मूव फायर टाइप पे बढ़िया इफेक्टिव रहते हैं कम इफेक्टिव रहते हैं? ओ यार मेरे को तो लगता है बहुत इफेक्टिव होंगे, वो लोहा है, लोहा मारता है तेज मारता है। गलत जवाब, अब तुम्हें मेरे गुलाम से लड़ना पड़ेगा। गुलाम बाहर आओ। इसने मेरे को बहुत सालों से कैद करके रखा है, अब मेरे को हर बार लड़वाता रहता है और लोग मुझे हराते रहते हैं। ओ यार कितना डरावना आदमी है भाई ये। मैं तो मांगमा को भेज रहा हूँ। ठीक है यार मैं चारिज़ार्ड को भेज रहा हूँ, मैं तेरी बैंड बजाने की वादा रखता हूँ। तुम भी मेरी बैंड बजाओगे? यार मेरी मांगमा को आधा काट दिया, ये लोग कंफ्यूज रहे। उरी और इसको इतना भी नहीं पता क्या चारिज़ार्ड को कंफ्यूज रहे? से कुछ नहीं होगा, चारिज़ार्ड ड्रैगन रेज। तुमने मैगमार की हेल्थ कम कर दी, फ्लेम थ्रोअर अटैक। अरे यार इसने चारिज़ार्ड की हेल्थ कम कर दी यार, अब वो टकले से लड़ते समय हेल्थ कम होगी। इसने भी मुझे हरा दिया, मेरा जीवन हार में ही गुजर रहा है, ये टकला मेरा मिसयूज कर रहा है, एक तो मुझे गुलाम बना के रखता है। बढ़िया किया मेरे गुलाम को हरा के। अब ये बताओ TM28 के अंदर टॉम स्टोनी होता है कि नहीं? उरिये होता क्या है टॉम स्टोनी? बढ़िया मुझे खुद नहीं पता। अगला सवाल, तुम्हारा चैलेंजर कौन है? यार ब्लेन है, ये तो हमें पता है, तू ही तो टकला ब्लेन है। सही जवाब, तुम अब मुझसे लड़ सकते हो। तुम
तुम्हारे पास 5 ब्लेन की ट्रॉफीज हैं, इसका मतलब तुम मुझसे लड़ सकते हो। तो आओ मेरे जिम के अंदर और लड़ो मुझसे और हारो। जाओ मैगमार और खत्म कर दो इन्हें। जाओ चार्जार्ड, सबको बताए चार्जार्ड और मैगमा का कितना 36 का आंकड़ा है। यार हम ही जीतेंगे। ड्रैगन रेज अटैक, बढ़िया। मैगमार की थोड़ी हेल्थ कम कर दी, लेकिन ये खाओ फ्लेम थ्रोअर। अरे यार इसे तो हमारी चार्जार्ड की हेल्थ काफी कम हो गई। कोई बात नहीं, एक और ड्रैगन रेज अटैक, बढ़िया। अब तुम खाओ मेरे मैगमार का कंफ्यूज रे। अरे यार मैं कंफ्यूज रे से तो चार्जार्ड को कुछ भी नहीं हुआ। तुम्हें लग रहा है कुछ भी नहीं हुआ। अब तुम्हारा चार्जार्ड नहीं मार पाएगा। अब तुम खाओ एक और फ्लेम थ्रोअर अटैक। अरे यार चार्जार्ड की हेल्थ तो बहुत ज्यादा ही कम हो चुकी है। अरे काम करते हैं, थोड़ा पोर्शन देके ना इसकी हेल्थ को बढ़ा देते हैं। तुम जब तक हेल्थ बढ़ाओगे ये लेके और फ्लेम थ्रोअर। ए यार ये तो बहुत ज्यादा ही तेज है। ये लेके और ड्रैगन रेज। कुछ हुआ नहीं वैसे ज्यादा, इसलिए तुम एक और फ्लेम थ्रोअर खाओ। आधा। ये लेके और ड्रैगन रेज अटैक। नहीं मेरा मैगमार गया, ये सबने मैगमार को तो हरा दिया। तुम्हें लग रहा है मेरे पास इतना ही ताकतवर पोकेमोन है। अब तुम सहो मेरे आर्कनाइन को और तू सह मेरे आर्टिकूनो को। वाह तुम्हारे पास एक लेजेंडरी बर्ड है। लेकिन मैंने अपना आर्कनाइन को तैयार ऐसे ही किया है कि वो किसी भी पोकेमोन को हरा दे। के लिए आइस बीम अटैक। तुम खाओ फायर के पोटे। ए इसने तो आर्टिकूनो को एचपी इतनी कम कर दी है। ले आइस बीम। कुछ ज्यादा हुआ नहीं बच्चे, फिर से खाओ तुम फायर के पोटे और तुम्हारा आर्टिकूनो मर जाते। और जितना ये टकला कमजोर लगता है उससे तो कहीं गुना ज्यादा ताकतवर है। तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो या मेरी तारीफ कर रहे हो? तुम्हारे ये गैरेडोस को भी पड़ेंगे अब जूते। गैरेडोस वापस आओ। डिटो जाओ। वाओ तुम्हारे पास डिटो भी है, तुम्हारे पास तो काफी तगड़े तगड़े पोकेमोन्स हैं। लेकिन तुम अब इसके फायर के पोटों के सामने नहीं बच पोटे। दोस्तों यार डेटो भी गया यार, आर्कनाइन के सामने तो सारे पोकेमोन ढेर हो रहे हैं। अब हमारे पास सिर्फ 2 ही पोकेमोन बचे हैं। जाओ मैगमार। तुम लोगों ने मैगमार कहाँ पकड़ लिया? चाबी भी पकड़ो, तुझे क्या टकले? ये ले फ्लेम थ्रोअर। नहीं आर्कनाइन को तुम लोगों ने मार दिया। तुम लोगों को लग रहा है कि तुम प्रो हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आर्कनाइन वापस आओ। जाओ रैपिड डैश। अरे यार रैपिड डैश तो हमारे पास भी था, मुझे लगता है हमें वो लाना चाहिए था। ये लो तुम इसके भी फायर के पोटे खाओ। ए ये ले एक और फ्लेम थ्रोअर अटैक। नहीं कुछ भी नहीं हुआ। ये लो खाओ फायर के पोटे और अपनी बेइज्जती करवा के जाओ यहाँ से। यार मुझे लग रहा है मेक पोकेमोन को भूल रहे हैं। अरे चार्जर स्टार्टिंग में उसकी हेल्थ भले ही कम है, लेकिन वो अभी भी लड़ सकता है। एक काम करते हैं, चार्जर की हेल्थ थोड़ी बढ़वा भी देते हैं। चार्जर की हेल्थ तो बढ़ गई। चार्जर ड्रैगन रेज अटैक। वाह ये तुमने गलत किया। ये लो फायर के पोटे खाओ तुम अब। यार चार्जर सह जाइयो। अरे चार्जर तो 1 एचपी पे सह गया भाई ये फायर के पोटे। नहीं तुमने क्विक अटैक तो देखा ही नहीं आते हुए। अरे बुड्ढा तो बहुत तेज है। और यार अब पिकाचू ही बचा, पिकाचू जितवा दियो यार। पिकाचू सी पिज़्ज़ा अटैक। तुम्हारा भी लास्ट पोकेमोन, मेरा भी लास्ट पोकेमोन, मगर मेरा लास्ट पोकेमोन तो बहुत ज्यादा ही ताकतवर है। जाओ नाइन टेल। ए नाइन टेल हो या टेन टेल हो, पिकाचू सी पिज़्ज़ा मारो और इसको मार दो। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि अब तुम खाओगे फायर ब्लास्ट। दोस्तों हमें यार पिकाचू की हेल्थ बढ़ानी पड़ेगी, वरना पिकाचू नेक्स्ट शॉट में ही मर सकता है। हाँ यार मैंने हेल्थ तो बढ़ा दी, लेकिन अब ये खाएगा सीपी जैप अटैक। नहीं इससे भी कुछ नहीं होएगा। अरे 1 एचपी में बचा है तो ले फायर ब्लास्ट। पिकाचू बच गया, पिकाचू सीपी जैप। नहीं कैसे कैसे तुम जीत गए? आज तक किसी ने मेरे को इस जिम में मेरे सामने ही मुझे नहीं हराया, क्योंकि मैं सबसे ताकतवर जिम लीडर हूँ। नहीं चलो यार तुम जीत गए, चलो मान लेता हूँ, मैं तो हसमुख आदमी ही हूँ। ले लो मेरा वॉल्केनो बैज। यस बच्चे ज्यादा उड़ो मत, तुम्हें अब पोकेमोन लीग भी तो लड़नी है, अब बड़े हो गए हो तुम। हाँ यार वो तो मुझे पता ही है टकली अंकल, अब हम चलते हैं यहाँ से। अरे यार ये कैसी आवाज़ें हैं? अरे 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 तुम यहीं पे हो, अच्छा तुम मुझे यहीं पे मिल गए। और कितने पोकेमोन बैजेस है तुम्हारे पास? तुम्हें पता है ना पोकेमोन लीग खेलने के लिए 8 जिम बैजेस होने चाहिए। हाँ यार मेरे पास तो होंगे ना यार 10-20। अबे ओ कितने हैं तुम्हारे पास? मेरे पास तो 7 हैं।
अरे साथ बोल के चला गया। उरी और उसके पास सात है और हमारे पास चेक करते हैं। दोस्त यार हमारे पास तो सिर्फ 6 जिम बैजेस है, अभी हमें और 2 बैजेस कलेक्ट करने, वरना गहरी जीत जाएगा। तो गाइस ये तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, और अगर आपको जाना है क्या हुआ तो जल्दी से बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर। हम लोग अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।